औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लो जी इंतजार की घड़ियां खत्म, दारो वाली वर्सेस चूर कोटली का मैच शुरू होने जा रहा है। भाई पीछे वाले पर दारो वाली की टीम, शहबाज कैप्टन ने टॉस जीता और किया बैटिंग का फैसला, और आगे है सज्जाद, कासिद का सामना करेंगे। पहली ही बॉल पे एज लगा और भारी नुकसान का सामना करना पड़ा सज्जाद को। सज्जाद फौजी बहुत ही बड़ा नुकसान दारो वाली की टीम को, सज्जाद फौजी की सूरत में बहुत ही माया नाजा राउंडर थे। चूर कोटली वर्सेस दारो वाली, और अब सामना करेंगे कैप्टन शहबाज। कैप्टन लेंगे जिम्मेदारी अपने कंधों पे और आज बताएंगे कि मैं दारो वाली का एक अच्छा कैप्टन हूँ। देखते हैं कि एक अच्छा कैप्टन साबित होते हैं या नहीं। तो कासिद ने पहला ही बॉल स्लो आर्म डाला और एज लगा, पीछे बॉल गई कीपर के हाथों में और कीपर में पहला आसान सा कैच पकड़ के पहला विकेट भारी नुकसान कर दिया दारो वाली। शाबाश, बहुत ही अच्छे बैट्समैन दारो वाली की जानिब से आए बॉल की, और वाइट बॉल, वाइट बॉल के साथ दारो वाली का खाता खुला। एक रन हुआ पहला ओवर, एक बॉल एक स्कोर और एक विकेट। तो अपना दूसरा बॉल डालने के लिए तैयार कासिद। दारो वाली की टीम एक अच्छी टीम और चूर कोटली के बॉलर आए कासिद। स्लो फास्ट बॉल था और बहुत ही अच्छा बॉल नहीं था, खराब बॉल था, आउट होने का खतरा, और दो रन मुकम्मल किए शहबाज ने। बहुत ही अच्छी तालमेल शहबाज वर्सेस जैन, बहुत ही अच्छी जोड़ी है जी। तो तीन स्कोर हो चुके हैं, पहले ओवर की दो बॉलें हैं और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ हैं एक अच्छी ऑल राउंडर दारो वाली के यासर, जो कि एक माया नाज ऑलर आर राउंडर हैं। फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग शहबाज सामना करेंगे कासिद का। शहबाज वर्सेस कासिद, आए बाल की यॉर्कर लेंथ बॉल डाला, स्पीड थी बॉल की, जान था बॉल में और समझने से कासिद रहे शहबाज। चौथे दिन का दूसरा मैच चूर कोटली बलौलपुर फ्लड लाइट टूर्नामेंट जिसका चौथा रोज, और आज का दूसरा मैच कासिद आए बाल की, बहुत ही अच्छा छक्का जड़ दिया है शहबाज ने, शॉर्ट लेंथ बॉल थी और बहुत ही खूबसूरत सिक्स लगा दिया, और इसी के साथ 9 रन हो चुके हैं दारो वाली की टीम ने। कैप्टन इनिंग खेल रहे हैं शहबाज, बहुत ही खूबसूरत इनिंग है शहबाज की, पहला सिक्स लगा दिया है आज का और भारी जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने कंधों पे दारो वाली की जानिब से। बॉलर आए बाल की, वाइट बॉल और इसी के साथ 10 रन, कितने बॉल आए, चार बॉले हो चुकी हैं, अभी भी दो बॉले बाकी हैं। अगर एक बाउंड्री भी आ जाती है दो बॉलों में तो एक अच्छा टोटल हो जाएगा, 10 रन पहले ही आ चुके हैं शहबाज एक अच्छी इनिंग खेलते हुए। दारो वाली की जानिब से कासिद आए बाल की और वाइट बॉल डाल दिया, 11 रन, 11 रन हो चुके हैं मुकम्मल शहबाज धारो वाली के कैप्टन, कैप्टन इन्हें खेलते हुए। पिछली बॉल पे छक्का जड़ा इन्होंने, बहुत ही बुलंदो बाला, ठीक ठाक भाई का 80 मीटर लंबा छक्का जड़ा था शहबाज ने। तो कासिद अपना अगला बॉल कराने के लिए तैयार, अंपायर को क्रॉस किया और बॉल की वाइट बॉल होने का, मेरे ख्याल से तुझे वाइट बॉल होना चाहिए था। तो बहुत ही नपीतुली बॉलिंग, एक अच्छा वाइट था लेकिन अंपायर ने नहीं माना कि ये वाइट है, वाइट नहीं देती उन्हें, चलो कोई
बॉलर आए बाल की बहुत ही अच्छी फील्डिंग चोर कोटली की। जानव से पहला बार कासिम ने किया अपना दोस्त 11 स्कोर है तो बहुत ही खूबसूरत बात की। आमर बॉलर बॉलर का नाम आमर तो हम अपना दूसरा बॉल करेंगे। बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, यंग मैन है, 17 ईयर एज है। ओ सिक्स लगा दिया जैन ने, बहुत ही जैन की जानब से एक अच्छा सिक्स, स्लो जारकर था और एक अच्छा सिक्स लगा दिया है जैन ने। आमर आए अपना तीसरा बॉल करवाने के लिए। ओ बहुत ही खूबसूरत सिक्स लगा लिया है सामने की जानब। तो कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ रावल दारवाली के एक अच्छे यंग मैन है जी, तो देखना पड़ेगा जैन अपनी एक अच्छी बारी खेलते हुए। आमर अपना तीस चौथा बॉल करवाने के लिए तैयार, दो छक्के जड़ चुके हैं जैन। ओ बाहर की जानब आए, अच्छे बॉलर हैं टीम कोहली की तरफ से। आज वह बाल करेंगे, छे लगा दिया है। कैच होने का खतरा और मिस फील्डिंग। कैच गुजार दिया। नटो चौथा भी लाओ, चौथा भी है नहीं कोई भी होते। अब चार बनते ही गए, तुम पहले खलो रहे, चलो कोई नहीं कह रहा साई एक बार इंदा ही हो ते विकेट च करवाउंदा ही बाल बोधी मार दी बाउंड्री। इस तरह 15 रन आ चुके हैं इस ओवर में। नुकसान का साबित होता है। ओ शबाज की जानत से एक बुलंदो बाला सिक्स 113 मीटर, बहुत ही खूबसूरत सिक्स। कैप्टन इन्हें खेल रहे हैं शबाज, अच्छा सिक्स लगा रहे हैं और रावल हमारे साथ देंगे। बड़ी बुलावड़ी आई है किधर नहीं वे इतने लावा के गांव इधर सही बंडी ओ शक्का
शहबाज की जानब से बहुत ही अच्छा सिक्स लगा के शहबाज ने बताया कि तीसरे ओवर अभी भी मैं एक कैप्टन ही न खेल रहा हूँ। तो दो सिक्स लगा चुके हैं शहबाज और दो लगा चुके हैं जैन। एक अच्छे टोटल की जानब धारो वाले की टीम बॉलर आए बाल की यानी नो यो की नाम बोलर था भाई असद असद नो बाल नो यो कप्तान के पास पास के लिए आ गए नो नो डबल पास डबल 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 ना 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 वेरी गुड वेरी गुड किन्ना स्कोर है भाई दो चौंती हो गया एक बाल में है और दो शारिया एक बाल हो चुके 35 शहबाज एक अच्छी टाइप बहुत ही खूबसूरत सिक्स लगा दिए शहबाज ने तीन सिक्स लगा चुके हो दो रन के लिए खेला है शहबाज ने तो कैप्टन इन खेल रहे हैं शहबाज 41 रन आ चुके हैं तीन बाले हुई हैं तीसरे ओवर की और अभी एक ओवर बाकी है 70 से स्कोर प्लस हो जाता है तो बहुत ही अच्छा टारगेट हो जाएगा अगर वाइट बॉल 42 रन आ चुके हैं अभी भी तीन बाले बाकी हैं देखना पड़ेगा शहबाज अगर एक दो हिट अच्छी लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे टोटल की जानब जाएंगी दारों वाले की टीम और शहबाज खेल रहे हैं कैप्टन तीन छक्के जड़ चुके हैं अपने इस इनिंग में बलौलपुर फ्लड लाइट टूर्नामेंट कासद आए बाल की शहबाज को एक रन के लिए खेलो मिसफील्ड हो सकती थी लेकिन बाल बाल बचे बहुत और एक ही रन बना अभी भी दो बाले बाकी हैं अगर दो बालों में एक भी बाउंड्री आ जाती है तो 50 के करीब हो जाएगा तीन ओवर में स्कोर जैन 45 रन हो चुके हैं और देखना पड़ेगा कि बाउंड्री आती है या नहीं बहुत ही अच्छी शॉट 6 रन के लिए खेला जैन ने और 54 रन हो चुके हैं यंग मैन है 17 साल एज है और बहुत ही अच्छे खेलते हुए जैन धारो वाले की जाने एक अच्छे बैट्समैन हाय और 58 रन तीन ओवर मुकम्मल बर्बाद स्कोर 57 हो गया अल्लाह खैर करे बढ़िया नहीं शॉटा बनिया भला आई साइन ही चेक नवी बनाई चौथा भी ऑन डी पे आ गया एक ही कोंदा गोडा ला वावे वावे चौथा ओवर और आखिरी अजीम चौथ कोटली की जानिब से तजर्बे के पहाड़ है शहबाज कैप्टन इन्हें खेल रहे हैं और साथ दे रहे हैं जैन यंग मैन बॉलर आए स्लो बॉल और वाइड अंपायर का इशारा वाइड बॉल
और इसके साथ 58 रन मुकम्मल हो चुके हैं। यार कर लेंथ बाल थी, कुछ रोशनी की कमी, शुक्र का सामना। और लाई वा कोड की जरा कोड तो नो भी दंदे दे मैच ना मैच लावा अगला दिन दवा कोड नेट बरास लवा ओ वाइट बॉल बहुत ही लंबा मारे हो कैच होने का खतरा और 6 रन शबाज के बल्ले से बल्ला 6 रन उगर रहा है। आज शबाज का बल्ला 6 पे 6 लगे रहे हैं 6 ऑफ। तो रात के 10 बज चुके हैं, क्रिकेट के शायकीन बहुत ही पोरंदाज वाइड बॉल ने का चाहता है। सामने है फील्डर, बस फील्डिंग, पीछे है दूसरे फील्डिंग और 2 रन मुकम्मल किए हैं। अभी भी 3 बाले बाकी हैं, 2 बाउंड्री आ जाएं तो बहुत ही अच्छा टोटल हो सकता है। एक मिस होया एक छक्का एक डबल कोई नहीं गल कोई नहीं दो रहिंदिया दो च एक अद्धी हट ला दे चौथे ओवर की 4 गेंदे और 2 बाकी पड़ी हैं। चूर कोडली बाज के चक्कर ओए होए होए ओ कर अंपायर का चक्कर भाई ओए कैमरा से तोड़ देना उन्होंने आ ही कल थल्ले की लगा ये लेवल लेवल दसन दे लेवल फुल नहीं है ना हूं ही लेवल ਬਰੀ ਕਾਲੋ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਾਜ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੀ ਵਾਲੇ तमाम आने वाले 5वा बॉल करवाने के लिए तैयार बॉलर आए बॉल की वाइड बॉल अंपायर का इशारा वाइड 17 हो गए चौक दे थोड़ा ही फर्क रह गया हवा भरी थोड़ा हवा पर फर्क सीगा
चल कोई नहीं खैर विकेट च मारन डा सीधा खेड के मारते छक्का जो मारता हूं सीधिया छड़न डा विकेट च बड़ी है की अच्छी अंपायर यासर का इशारा फोर वाइड जी वाइड जी अभी अभी वाइड ही भाई भाई कोई नहीं चार आगे बथेरे आ इधर अगले बीट हो जांदे एक बस वेला जे लगदी बाउंड्री से अच्छा टोटल हो गया किना का सर 80 हो गया नहीं 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 17 तो 17 दे लग गया 17 चौथा दिन दूसरा मैच आखिरी बाल इसी ने की दो दो करो दो 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 वेडर है पीछे फिर वेन ठंडा 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 निकल जाओ चल क्या बा इन कोई मुकम्मल उसी तरह चार ओवर का खेल मुकम्मल हुआ तेरे चाचे लैन आ जाना कर पिंड जीतने के लिए 76 रन बरकरार है अच्छा टारगेट है तो एक अच्छा टोटल दिया है दारो वाले की टीम ने 76 रन का चार ओवर में और पहला ओवर करेंगे यंग मैन असद तो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है मास्टर मनवर साहब तो आपको कैसा टोटल दिखाई दे रहा है टोटल तो बहुत अच्छा है लेकिन ये डिपेंड करता है असद के ओवर में असद क्या करता है यंग मैन है खासा अच्छा टैलेंट है स्पीड स्टार है स्पीड से इलाके में इतनी किसी की नहीं है लेकिन अगर थोड़ा सा समझदारी का समझदारी से थोड़ी सी समझदारी से बोला करें ना तो टारगेट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है हमारा असद जान ना करनी वाला जान ना वेरी गुड दारो वाली शहबाज ने कैप्टन टास किया और आज कैप्टन इन्हें खेली बैटिंग किया फैसला और चार ओवर में कैप्टन इन्हें खेल के 76 रन जड़ दिए हैं और अब बॉलर नेम है असद एक यंग स्टार है 20 ईयर एज है उनकी 20 साल उम्र है तजर्बा काफ़ी है 3 साल का कैरियर है उनका क्रिकेट में तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम असद एक दारो वाली को क्लास का बॉलर और बैट्समैन भी मिला है असद की जानम से जानम में तो अपना पहला बाल करने के लिए तैयार आए बाल की बहुत ही अच्छा बॉल था लेकिन अंपायर का शॉट वाइड बॉल हो गया
ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਲੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ बगैर परेशान हो गया ना है बता स्पीड स्टार है असद अपना दूसरा बाल करवाने के लिए आए और बहुत ही अच्छा शॉट और दो रन ओ गाला ना कट यार बीच आउंदे आमर की तरफ से बहुत अच्छी फील्डिंग लेकिन कीपर उनसे बहुत ही नाराज बहुत ही नाराज कीपर कीपर बहुत ही नाराज घर दे विच लोग वेखण दे की कर रहे हैं वैसे भी आवाज कर अच्छी जानी होनी मोशन कार सामने है ला देंदा सामना करेंगे पहले अकलना बॉल एक नहीं किया आप कीपर ने खुद भी कैच छोड़ा है आप देख रहे हैं कैप्टन की तरफ मैं क्या करूं असद अपना अगला बॉल करवाने के लिए आए छिहत्तर रन का टारगेट है चोर कोटली का मेरा ख्याल है ये जो टीम भी मैच लूज करेगी वो टूर्नामेंट से
81 ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ 15 ਫੁੱਟ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨੋ ਬਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਿਆ ਵੇ ਬਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਆ ਨੋ ਬਾਲ ਯਾਰ ਨੋ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਹੋਲ ਟਾਸ ਬਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਓਨ ਫੋਰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸਿਗਨਲ ਕੋਈ ਆਉਣ ਲਈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਟ ਉਹ ਨੂੰ ਆਨਾ ਪਿਆ ਅਸਰ ਅੰਦਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਹੈ ਪੇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਬੋਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸੰਜਾਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾ 13-6 ਈਅਰ ਏਜ ਹੈ ਇਨਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੰਦੀ ਅਭੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋ ਆਇਆ ਬਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਬੀਟ ਹੋਏ ਬੋਲਰ ਸੱਜਾਦ ਨੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਛੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਯਖ ਠੰਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੀਣੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਛੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ मैच देखने को ये चौथे दिन का दूसरा मैच यार करा चूरकोट में और उसकी लौंदा भी तारो वाली बैट चुकन तो पहले ही ऑर्डर बोल रहा है बैट चुकन तो पहले ही बोल रहा है ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਜਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ ਜੇ ਐਫ ਥੰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਰਨ ਕੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੀਡ ਸੇ ਆਤਾ ਹੁਆ ਔਰ तमाम आने वाली टीमों को खुशामदीद कहते हैं कि पहला फ्लड लाइट मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट चेक नंबर 127 बड़ा बहलौर पर
और जिन्होंने साथ कामन किया हम उनके भी बहुत दिल की ताकराइयों से शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने बहुत ही तावन किया साथ। अच्छी बात। दूसरे ओवर का खेल जारी और दो ओवर मुकम्मल। बड़दावा स्कोर 31-31। दो ओवर बाकी हैं। और 45 स्कोर, दो ओवर 45 स्कोर जितने चाहिए चोर कोटली नो। बॉलर ने अच्छी बॉल, सामने है फील्डर, थ्रो 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 थ्रो, आप भी आगे जाएं। गेंद के लिए दौड़े जैन। ओ शाबाश शाबाश, ये भी हमारे यंगस्टर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग है, साल बहुत अच्छी बैटिंग भी की है। अब बॉलिंग देखो बहुत अच्छी बॉलिंग, यंग टैलेंट है, यंग टैलेंट है। इसी ये भी दारोवाली के लिए कुछ अब एक मंथ पहले डेब्यू किया है दारोवाली की टीम की जानिब से और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जा जेनु कर रिलैक्स होकर बॉल कर अपने। दो बॉल जैन गेंद के लिए दौड़े, बहुत ही खूबसूरत बॉल जैन ने की। नहीं सर लत्तां गाला ना कट, गाला ना कट, हम बैल च वट्टा मार देना किसी निकल के। गुड 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 गुड। 39-39 स्कोर। और बाय बाय मेरी गलती हो गया, इजी हो गया, बात करना दौड़। तीसरे ओवर का खेल जारी, गेंदें हैं 5। ये 1200 दिया दुबई हुआ है। 40 रन। कौन नाम हुंदा ओए नमा 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 दुबई नमा 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 बाल बुआ गेंदों का ख्याल करो।
ਕੁੜੀ ਹੋ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਕਾਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਾਲ ਬੁਆਇਸ ਆ ਬੜਾ ਪਿਛਲਾ ਓਵਰ ਭਾਈ ਕਰਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 30 ਸਕੋਰ ਉਹ ਬਾਲ ਆ ਤੇਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਟ ਸਜਾ ਫੌਜੀ ਸਜਾ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਆਹੀ ਬਾਲ ਆ ਆਹੀ ਬਾਲ ਆ ਚੜ ਚੜ ਕੈਚ ਸਾਂਗਲਾ ਵਰਸਸ ਚੱਠਾ ਲੈਮਨ ਇਸਕੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਾਂਗਲਾ ਵਰਸਸ ਚੱਠਾ ਚੱਠਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਦੇ ਆ ਚਾਂਸਦਾਰ ਵਾਲਾ ਚਾਂਸਦਾ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ ਔਰ ਚੱਠਾ ਲੈਮਨ ਕੀ ਜਾਨਬ ਸੇ ਫੌਜੀ ਔਰ ਬਲੈਕ ਕੀ ਜਾਨਬ ਕੋਰਨ और अभी भी 20 बॉलें बाकी 20 रन बाकी हैं दो बॉल तो मेरे ख्याल से धारो वाली की जीत ये यकीनी हो चुकी है अभी तो फॉर्मेलिटी बाकी है। तो मुनव्वर साहब आज आपने कैसा मैच एंजॉय किया कीपर से भी पूछेंगे हम बैटिंग की वजह से हम मैच जीते हैं बॉलिंग जिस लेवल की हमारी थी उस लेवल की ओ बहुत ही खूबसूरत कर दिया है उस लेवल की हमारी बॉलिंग थी तो हम अपने कीपर से भी पूछेंगे कि आज आपने कैसा मैच एंजॉय किया है राणा साहब से पूछेंगे आज आप कैसा मैच एंजॉय कर रहे हैं एक बॉल भी लगी है आपको पावर बैंक है पावर बैंक है नहीं अरे ओ जा चल जा हमें तो मैच बहुत ही अच्छा और फंटास्टिक मैच लगा है कमेंट्री बॉक्स में हमारा साथ दे रहे थे मैच बहुत अच्छा था और जिस लेवल की हमारी बॉलिंग उस लेवल की बॉलिंग हुई नहीं है अभी भी थोड़ा सा अच्छा आपको आपको लगता था कि इससे ज्यादा भी अच्छी बॉलिंग हो सकती है असद की जानते जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आ नहीं रहा यार अगर असद 100% देंगे तो फिर हम के टूर्नामेंट में माशाल्लाह अलदवी ओके जी ओके थैंक यू